हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डू पाइथन्स रैंडम मॉड्यूल। पाइथन के रैंडम मॉड्यूल का क्या यूज़ है? पाइथन हैज़ अ मॉड्यूल नेमली रैंडम डेट प्रोवाइड्स रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस। तो पाइथन का रैंडम मॉड्यूल आपको रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं। ओके, द रैंडम नंबर इज अ नंबर जनरेटेड बाय चांस दैट इज रैंडमली। रैंडम नंबर्स कौन से होते हैं? जो बाय चांस क्रिएट होते हैं, राइट, रैंडमली क्रिएट होते हैं, उनकी लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता। ओके, कोई भी नंबर कभी भी आ सकता है, राइट। रैंडम नंबर्स कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज। और रैंडम नंबर्स का बहुत जगह यूज होता है, लाइक कंप्यूटर गेम्स इन्वॉल्विंग थ्रोइंग अ डाइस। जहां पे आप कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हो, उसमें क्या करना है, आपको डाइस को थ्रो करना है, राइट। जैसे आप क्या करते हो, स्नेक लैडर खेलते हो, उसमें आप डाइस थ्रो करते हो, वो भी क्या है, रैंडम नंबर आता है, फाइन। तो अगर आप कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन की हेल्प से ही रैंडम नंबर्स क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, राइट। पिकिंग अ नंबर, अगर आप नंबर पिक करने वाला गेम खेल रहे हो, और फ्लिपिंग अ कॉइन, आप कॉइन को फ्लिप करने वाला गेम खेल रहे हो, रिकैप्चा लाइक इन लॉगिन फॉर्म, जब आप लॉगिन फॉर्म्स फिल करते हो, राइट, उसमें क्या आता है आपके पास, रिकैप्चा आता है। ओके, यूजेस अ रैंडम नंबर जनरेटर टू डिफाइन विच इमेज इज टू बी शोन टू द यूजर। तो यहाँ पे वो रैंडमली सिलेक्ट करता है कि कौन सी इमेज यूजर को दिखानी है बाय यूजिंग द रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस। ओके, टू यूज रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन इन योर पाइथन प्रोग्राम, यू फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल। अगर आपको रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस चाहिए अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे। ओके, रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे तो आप रैंडम मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं सबको यूज कर सकते हो, राइट। ओके, तो इसका जो पहला फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल का, वो है रैंडम फंक्शन। ओके, द रैंडम मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 and 1। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है 0 and 1 के बीच में। ओके, इसका सिंटेक्स क्या है, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। तो रैंडम क्या है, मॉड्यूल है, और रैंडम इसका फंक्शन है, फाइन। इट टेक्स नो पैरामीटर, यहाँ पे ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, एंड रिटर्न्स वैल्यूज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 and 1। ओके, तो 0 and 1 के बीच की वैल्यूज को ये जनरेट करता है, इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 तो इंक्लूड होता है बट 1 इंक्लूड नहीं होता है। ओके, ओनली लोअर रेंज लिमिट इज इंक्लूसिव। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, रैंडम नंबर 0 से लेकर 1 के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जनरेट करता है, जिसमें 0 तो इंक्लूड होता है बट 1 इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल को। आपने इंपोर्ट कर लिया, अब हम रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन यूज करेंगे, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। ओके, तो 0 से लेकर 1 के बीच में आपको क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देगा, फाइन। देखो आपके पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया, जिसमें 0 तो इंक्लूड होगा बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। मैं इसी को क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। अब देखो फिर से हम इसको करते हैं, कंट्रोल वी सी। ओके, राइट, तो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं बिटवीन 0 and 1। ओके, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जनरेट होंगे। मान लो आपको एक पर्टिकुलर रेंज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जनरेट कराने हैं यूजिंग रैंडम मॉड्यूल, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। मल्टीप्लाई रैंडम फंक्शन विद डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट विद लोअर लिमिट। आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के डिफरेंस से रैंडम फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एड टू इट लोअर लिमिट, और इसके अंदर लोअर लिमिट को ऐड करना है। ओके, एग्जाम्पल देखो, टू जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 15 to 35। अगर आपको 15 से लेकर 35 तक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए, ओके, तो आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे आपका स्टेटमेंट आएगा, रैंडम, रैंडम क्या है आपका, मॉड्यूल डॉट रैंडम फंक्शन, राइट, इनटू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किससे, डिफरेंस से, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, 35 minus 15। ओके, और इसमें आप क्या ऐड करोगे, लोअर लिमिट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने रैंडम मॉड्यूल को। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, फाइन, और उसके बाद आपने रैंडम, ये आपका मॉड्यूल है, डॉट रैंडम फंक्शन, फाइन, रैंडम फंक्शन इनटू, राइट, आपको क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स प्रिंट कराने हैं विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो मेरे को मान लो 35 से लेकर 15 तक प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे आप लोगे डिफरेंस ऑफ 35 minus 15, ओके, प्लस 15, राइट, आपके पास एक रैंडम नंबर आ गया है बिटवीन 35 to 15। ओके, आप फिर से इसको देखो प्रिंट करा सकते हो, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, एंड इसको कर दिया कंट्रोल वी,
राइट, एक और रैंडम नंबर आ गया कंट्रोल वी, राइट। तो ये जो रैंडम नंबर्स आ रहे हैं किसके बीच में आ रहे हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी 15 है एंड अपर लिमिट आपकी 35 है, ओके। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रैंडम मॉड्यूल इज रेंड इंट फंक्शन, ओके। रेंड इंट फंक्शन इन पाइथन रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर इन द रेंज इंक्लूडिंग बोथ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। तो रेंड इंट फंक्शन क्या करता है, रैंडम इंटीजर जनरेट करता है विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, ओके। और इस रेंज में आपका स्टार्टिंग लिमिट भी इंक्लूडेड होती है और एंडिंग पॉइंट भी आपका इंक्लूडेड होता है, ओके। मान लो आपने स्टार्ट दिया 0 और आपने एंडिंग दिया 12, लेट अस सपोज। तो यहाँ पे जो इंटीजर जनरेट होंगे उसमें 0 भी इंक्लूड होगा, उसमें 12 भी इंक्लूड होगा, ओके। सिंटेक्स क्या है रेंड इंट का, रेंड इंट एंड आप इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करोगे, स्टार्ट एंड एंड, फाइन। रेंड इंट टेक्स ओनली इंटीजर टाइप पैरामीटर्स, तो इसके अंदर रेंड इंट फंक्शन में आप केवल इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स ही पास कर सकते हो, एंड जनरेट्स एन इंटीजर टाइप रैंडम वैल्यू, और ये हमेशा इंटीजर टाइप रैंडम वैल्यू ही जनरेट करेगा, ओके। तो यहाँ पे हम रेंड इंट फंक्शन को देखते हैं, रैंडम मॉड्यूल का रेंड इंट फंक्शन। इसमें मैंने मान लो स्टार्टिंग लिमिट दे दी 10 एंड एंडिंग लिमिट दे दी 20, तो दोनों इंक्लूसिव है। आपका रैंडम नंबर 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, और विद इन जो इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ हैं वो भी आ सकती है, राइट। ओके, 10 आ गया, देखो 10 आ गया, स्टार्टिंग लिमिट आपकी आ गई है। कंट्रोल सी फिर से करेंगे, कंट्रोल वी, 17 आ गया, कंट्रोल वी, 16, कंट्रोल वी, 20। देखो दोनों जो आपका स्टार्टिंग जो नंबर था एंड आपका एंडिंग लिमिट थी वो दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं रेंड इंट फंक्शन के अंदर, फाइन, ओके। तो देखो इसके पैरामीटर्स भी इंटीजर्स हैं और ये जो नंबर्स जनरेट करता है वो भी इंटीजर्स होते हैं। अब अगर मान लो मैं देती हूँ स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों लिमिट्स मैं सेम दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 10 एंड 10, राइट। तो एक ही नंबर जनरेट होगा, दैट इज़ 10। फिर से देखो, अगर मैं इसको फिर से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नंबर सेम है, राइट, तो ये एक ही नंबर जनरेट करेगा, दैट इज 10। नेक्स्ट मेथड ऑफ रैंडम मॉड्यूल इज रेंड रेंज मेथड। द रेंड रेंज मेथड रिटर्न्स अ रैंडमली सिलेक्टेड इंटीजर नंबर फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेंज। तो रेंड रेंज मेथड क्या करता है, एक रैंडमली सिलेक्टेड इंटीजर नंबर क्रिएट करता है, जनरेट करता है फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेंज, ओके। आपने रेंड इंट में देखा था वो भी क्या करता था, इंटीजर नंबर जनरेट करता था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रेंड इंट के अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करते हो, रेंड रेंज के अंदर आप 3 पैरामीटर्स को पास करोगे, ओके। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ओके। आपका स्टार्ट क्या है, ऑप्शनल है। स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ये क्या है, स्टार्टिंग नंबर है, ओके। अगर आप स्टार्टिंग नंबर नहीं देते हो, स्टार्टिंग लिमिट नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर होता है, 0, ओके। एंड जो स्टॉपिंग पैरामीटर है, स्टॉप पैरामीटर है, वो मैंडेटरी है, वो आपको जरूर देना है, राइट, अपर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। अब रेंड इंट के अंदर क्या था, दोनों लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इंक्लूसिव थे, दोनों आते थे, ठीक है, इंक्लूड होते थे, पर रेंड रेंज के अंदर जो आपका स्टॉप पैरामीटर है, अपर लिमिट है, वो एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूड नहीं होगा जो नंबर जनरेट होंगे उनके अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर इज स्टेप पैरामीटर, ये क्या बताता है कि कितने नंबर्स छोड़ छोड़ के नंबर्स आएंगे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन द सिक्वेंस, 1 1 1 बाय 1 आएंगे, या 2 का डिफरेंस होगा, या 3 का डिफरेंस होगा, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हम रेंड रेंज फंक्शन का यूज़ देखेंगे, तो सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। रैंडम को इंपोर्ट कर लिया, अब रैंडम डॉट रेंड रेंज, राइट, रैंडम डॉट रेंड रेंज। अगर मैं इसके अंदर एक ही पैरामीटर देती हूँ, मान लो मैं इसके अंदर एक ही पैरामीटर दे रही हूँ 50, तो ये 50 मेरा क्या कंसीडर होगा, ये मेरा एंडिंग वैल्यू कंसीडर होगा, और मैं और इसके अंदर नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जनरेट होंगे, फ्रॉम 0 to 49, राइट, ओके। देखो 23 आ गया, मैं फिर से करके दिखाती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 39, कंट्रोल वी, 39, कंट्रोल वी, 19, ओके। तो जो नंबर्स जनरेट होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 कंसीडर होगी, और जो एंडिंग वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है, -1, तो यहाँ पे 49 होगी, राइट, 50 इंक्लूड नहीं होगी, 49 तक ये 0 to 49 तक नंबर्स को जनरेट करेगा, फाइन, ओके। अब अगर हम दूसरा देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी स्टार्टिंग वैल्यू भी दी है और एंडिंग वैल्यू भी दी है, मान लो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 10 और एंडिंग वैल्यू दे दी है मेरी 50,
राइट right. तो ये कहाँ से कहाँ तक नंबर जनरेट करेगा, ये 10 से लेकर 49 तक नंबर्स को जनरेट करेगा. फाइन ओके 46 आ गया, इसको फिर से लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 40 कंट्रोल वी, 15 कंट्रोल 38 राइट 10 से लेकर 49 तक ये नंबर्स को जनरेट करेगा. फाइन ओके अब यहाँ पे देखो मैंने स्टेप वैल्यू नहीं दी है, स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेप वैल्यू 1 ले रहा है. ओके अगर स्टेप वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 लेता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ 1 राइट 1 लिख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट भी वो 1 ही लेता है. ओके अगर मैं चाहती हूँ कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे लेना चाहती हूँ स्टेप वैल्यू 2. ओके और मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर, मान लो मैं 10 to 20 नंबर्स लेना चाहती हूँ, 10 to 20. तो देखो कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आएंगे, 10 ओके उसके बाद आएगा 12 देन 14 एंड देन 16 ओके 16 एंड आपका आ जाएगा 18 तक आएंगे क्योंकि 20 इंक्लूसिव नहीं है इसके अंदर, 19 तक नंबर आने हैं तो 18 तक आएंगे. देखो इसको मैं करके देखती हूँ, 18 आया, 18 तक नंबर आएंगे 10 to 18 क्योंकि स्टेप वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिए, 2 लिए राइट. इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी, 16 ओके 10 राइट 14 18 ओके अंडरस्टूड. तो आपकी यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है तो आपका कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा. ओके मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देती हूँ, 12 आएगा आपका, 14 आ जाएगा ओके एंड आपका आ जाएगा 16 एंड आपका आएगा 18 राइट. उसमें से कुछ नंबर्स तो आ चुके हैं, आपका 12 आ चुका है, 18 आ चुका है, 14 आ चुका है, 10 भी आ चुका है फाइन और आपका 16 भी आ चुका है राइट ओके. अगर मैं यहाँ पर रेंड रेंज फंक्शन में एक मॉडिफिकेशन करती हूँ, रेंड रेंज ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरी स्टार्टिंग लिमिट थी वो मैंने कर दी बिग ओके एंड जो मेरी एंडिंग लिमिट थी वो मैंने कर दी स्मॉल ठीक है. तो मैंने स्टार्टिंग कर दी यहाँ पे 20 एंड एंडिंग कर दी यहाँ पे 10. तो ये कहाँ से चलेगा, 20 से लेकर 11 तक चलेगा क्योंकि 10 इसमें इंक्लूसिव नहीं है. अब इसको चलाने के लिए रिवर्स ऑर्डर में चलाने के लिए हम स्टेप वैल्यू क्या देंगे, नेगेटिव में देंगे. मैंने -1 दी यहाँ पर स्टेप वैल्यू राइट ओके देखो अब 18 आया, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी राइट 15 12 14 कहाँ तक चलेगा, ये 11 तक चलेगा, फ्रॉम 20 टू 11 फाइन 17 12 11 11 तक आ गया 15 16 ओके आई वॉन्ट टू शो यू कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, 20 इंक्लूड होगा, 20 आएगा क्योंकि 20 क्या है इसकी लोअर लिमिट बन चुकी है फाइन. देखो 20 आ गया, 20 भी इसमें इंक्लूड है फाइन. तो यहाँ पे 20 टू 11 नंबर्स आएंगे फाइन. ओके एवरीवन इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.